फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, 2 o'clock हो चुके हैं। और मेरी मैम ने कहा था कि आपको बना के लाना है एक क्लास के लिए कोई सा भी वॉल हैंगिंग, तो फिर मैं उसी के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट क्राफ्ट है। और यहाँ आप देख सकते हो, आधे यहाँ पे मेरा काम बिगाड़ने के लिए रेडी है। और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ इसलिए वो बहुत खुश है, तो चलो बनाते हैं और आपको भी। सो फ्रेंड्स, ये मेरे सारे चार्ज और ग्लू सब है। और ये मैं मौसी की दुकान से लाई थी, 50 rupees इसके पूरे चार्ज आए हैं, ये 5 है और फ्री में मिल गए। मेरी मौसी बहुत अच्छी हैं, तो चलो आप बनाते हैं इन्हीं से वॉल हैंगिंग। और पीछे आ जा, खेल रही है और मेरे पेपर खराब करने के लिए, मेरा सारा क्राफ्ट खराब करने के लिए तैयार हो गई है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार करने जा रही हूँ अपने वॉल हैंगिंग को। और ये मेरे पेपर लेने पहले क्या गई, मैंने सोचा क्लाउड वॉल हैंगिंग बनाते हैं। क्लाउड के लिए मैं यूज करूंगी लाइट ब्लू चार्ट पेपर। मैं अभी अपना चार्ट पेंसिल लेके आती हूँ, आधे यहीं पे बैठे हैं फ्रेंड्स। तो मम्मा उसको लेके चली गई है और मैट पे बैठी हुई है। और मैं तो मेरी मम्मा ने ये क्लाउड तो बना लिया है, अभी इसे कट करती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन आतिफ को प्यार से पिद्दू बुलाती हूँ और ये मैं तभी उसका नाम रख दिया पिद्दू। उसे भी तो है, इसका नाम पिद्दू ही रखेंगे। उसके बाद जब ये आई तो मैंने इसका नाम राधिका रखा, फिर मम्मा ने आंध्या रखा और पापा ने राधा रखा। और ऐसे नाम भरते गए, अब तो 100 नाम है, कोई भी कुछ बुला लेता है। और फ्रेंड्स, यहाँ रेन हो रही है और रेन के लिए मेरा नया बादल भी तैयार है, इसको भी आसमान में फेंक देते हैं, फिर ये भी रेन बरसाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया है और जो वो क्लाउड था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। पर वो कंप्लीट होते वक्त बरसात हो रही थी तो, और बिजली कड़क रही थी तो फ़ोन चलाना अच्छा ही नहीं था, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। पर आपको नहीं दिखा पाई कि मैंने उसे कैसे बनाया है, तो उसको बना दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखते हैं कि मेरी मैम उसे रिजेक्ट करती हैं या फिर उसे मेरी सुंदर सुंदर सी क्लास में लगाती हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और वो क्या बोलते हैं, हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। करते करते शाम हो गई। आपको पता है करते करते शाम क्यों हुई? करते करते शाम इसलिए हो गई क्योंकि मम्मा ने, मैंने लर्निंग की, होमवर्क किया, मैथ्स का किया, साइंस का किया, SST का किया और MT का किया, हिंदी का किया, इंग्लिश का किया, सबका होमवर्क किया। एंड लर्निंग भी थी तो लर्निंग भी किया। मेरी मम्मा ने ओरल टेस्ट लिए और हर सब्जेक्ट में एक एक बार लर्निंग होती है और एक एक और होमवर्क मिलता है, तो मैं उसी को करते करते मुझे हो गई शाम। और रात बहुत ज़्यादा करीब है, आप पीछे देख सकते हो विंडो से। और फिर मैंने सोचा चलो आपसे भी थोड़ा मिल लेते हैं फिर से। और मैं मिल चुकी हूँ, मैं हूँ अपने रूम में, वहाँ बाहर सब लोग थे और वहाँ टेरेस पे शाम हो गई थी तो बैकग्राउंड से नहीं आ रहा था, मैं तो दिखती नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। विंडो से बेसर आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा होगा, बट वहाँ पूरा बैकग्राउंड फोन ने ब्लैक ब्लैक होके रखा था। और वहाँ पे जो इसकी लाइट है फोटो स्टिक की, ये लाइट भी वहाँ पे काम कर रही थी बट मुंह पे रोशनी नहीं जा रही थी, उसकी रोशनी नहीं सही थी, उसमें ज़्यादा दम नहीं था उस लाइट में। तो हो चुकी है शाम और 6 o'clock 7 o'clock हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे मैं लाइट ओपन है तभी यहाँ पे लाइट आ रही है, आप देख सकते हो पीछे बहुत सारी लाइट है। और मेरे टेंपल में हमेशा लाइट जलती है, चाहे जो हो जाए वहाँ पे लाइट जलती रहती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।